आज जो है हमारा टॉपिक एक छोटा सा टॉपिक है जिसमें हमने कॉन्सेप्ट अपना क्लियर करना है अबाउट द क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं वो हम आज जानेंगे। आपने इससे पिछले टॉपिक में पढ़ा था कि श्रोडिंगर ने हमें जो दी थी वेव इक्वेशन, जिसके नतीजे में हमें क्या पता लगता था, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन गेव अस द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन, और हमने जो कॉन्सेप्ट स्टडी किया था दैट वाज ऑफ ऑर्बिटल। अब ये जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है दैट इज सॉल्व फॉर द हाइड्रोजन एटम एंड इट हैज मोर देन वन सॉल्यूशन। ये तो आपको मैथ की बेसिक प्रैक्टिस है कि एक इक्वेशन के जो सॉल्यूशन हैं वो एक से ज्यादा जोन से हैं वो हो सकते हैं। अब क्वांटम नंबर्स क्या हैं? क्वांटम नंबर्स आर द सेट्स ऑफ दोज न्यूमेरिकल वैल्यूज, सेट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज जिनकी मदद से हमें क्या मिलता है, एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन। ऑफ श्रोडिंगर्स इक्वेशन तो यहां से हमारे पास जो डेफिनेशन आई है ऑफ द क्वांटम नंबर्स दैट इज कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के कई सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं और तमाम एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन के लिए हमें जो न्यूमेरिकल वैल्यूज चाहिए होती हैं जो कि हमें उसका एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन देती हैं, दोज आर टर्म्ड एज द क्वांटम नंबर्स। अब क्वांटम नंबर्स बेसिकली हेल्प आउट हमें कहाँ पे करते हैं, इट हेल्प अस इन डिस्क्राइबिंग व्हाट, डिस्क्राइबिंग द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एन एटम। एक एटम के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन हमें चाहिए होती है दैट कम्स टू अस थ्रू द क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर्स हमें जो हैं वो चीजें जो हैं वो बताते हैं। इसको आप इस तरीके से समझें कि एक कंप्लीट एड्रेस, अगर किसी शख्स को आपने कोई चीज भेजनी है तो उसके एड्रेस के लिए आपके पास क्या क्या चीजें होनी चाहिए, उसका नेम, उसकी सिटी जिस शहर में वो रहता है, उसका ब्लॉक या एरिया, उसका हाउस नंबर और उसकी स्ट्रीट नंबर। ये तमाम वो चीजें हैं जो कि एक कंप्लीट एड्रेस को जो है वो डिफाइन करती हैं कि एक शख्स जो है जिस तक आपने पहुंचना है या उस तक कोई चीज पहुंचानी है तो ये सारी चीजें आप तक मौजूद होनी चाहिए, तब आप उस तक पहुंच सकेंगे। सिमिलरली एक इलेक्ट्रॉन जो के एक न्यूक्लियस के गिर्द ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है उस तक पहुंचने के लिए जो चीजें एड्रेस का काम करती हैं दोज आर दी क्वांटम नंबर्स। अगर आपके पास क्वांटम नंबर्स मौजूद हों तो आप जोन सा है उनकी आइडेंटिफिकेशन जोन से है डिस्क्राइब करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन को आप आसानी जो है क्वांटम नंबर्स की मदद से कर सकते हैं। तो इट हेल्प्स इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, revolving in an
atom, or it also helps you in labeling the electron. इलेक्ट्रॉन को लेबल करने में आपको आसानी मिलती है. लेबल करने का क्या मतलब है कि आप उसको एग्जैक्ट जगह पे लोकेट जो है वो कर सकें. तो देयर दीज नंबर्स विच आर कॉल्ड द क्वांटम नंबर्स सर्व एज द एड्रेस ऑफ द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द एटम. इफ यू वांट टू रीच डायरेक्टली टू द एटम दीज नंबर विल हेल्प यू कि वो कौन से ऑर्बिट में, कौन से ऑर्बिटल में और कौन सी ओरिएंटेशन में घूम रहा है. ये तमाम की तमाम जो चीजें हैं इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड उसको कम्प्लीटली आइडेंटिफाई, लेबल और डिस्क्राइब करने के लिए आपको चाहिए होती हैं, वो हमें क्वांटम नंबर्स की मदद से मिलती हैं. अब वो कौन कौन से क्वांटम नंबर्स हैं, तो देर आर फोर टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर्स. नंबर वन इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. दिस इज टर्म्ड एज एन, और ये एन वही है जो कि हम बोहर के एटॉमिक मॉडल में स्टडी करके आए थे. नंबर टू इज द एजीमुथल क्वांटम नंबर. इन सब की जो डिटेल है वो हम इनसे रिलेटेड जो उनसे हैं टॉपिक्स जब उनको कवर करेंगे तो उसमें पढ़ेंगे. यहाँ पर हम सिर्फ उनके नामों को स्टडी कर रहे हैं कि कौन कौन से क्वांटम नंबर्स जो उनसे हैं वो एग्जिस्ट कर रहे हैं. तो एजीमुथल क्वांटम नंबर इज टर्म्ड एज एल. नंबर थ्री इज द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर. मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय एम. एंड नंबर फोर एंड द लास्ट इज द स्पिन क्वांटम नंबर. जो कि हमें इलेक्ट्रॉन के स्पिन के बारे में बताता है कि वो किस डायरेक्शन में स्पिन कर रहा है. तो दीज फोर आर द बेसिक क्वांटम नंबर्स जो कि हमें डिफरेंट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन related to the electron which is revolving in an orbit of an atom is determined. अब अगर आप इसको देखें, principal quantum number n आपको number of shell बताएगा, azimuthal quantum number आपको number of orbital बताएगा, magnetic उसके अंदर उसका magnetic effect बताएगा, और spin quantum number जो है हमारे पास वो हमें ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन का स्पिन जो है वो कैसा है. ये आपका इलेक्ट्रॉन है तो वो दो डायरेक्शन में, अगर ये एक एक्सिस है इलेक्ट्रॉन का, ऑलराइट इसको यहाँ पे बनाते हैं, अगर ये एक्सिस इलेक्ट्रॉन का है और ये इलेक्ट्रॉन है तो स्पिन क्वांटम नंबर आपको ये बताएगा कि ये इस डायरेक्शन में स्पिन कर रहा है या कि इस डायरेक्शन में स्पिन कर रहा है. तो इसकी स्पिन जो है वो हमें स्पिन क्वांटम नंबर बताता है. तो दीज आर द फोर बेसिक टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर्स जो कि हमें बताती हैं. और क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं, दे आर द नंबर्स, दे आर द न्यूमेरिकल वैल्यूज जो कि हमें हेल्प आउट करती हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन तक पहुंचने के लिए. तो ये कॉन्सेप्ट आपके ब्रेन में बहुत ज्यादा क्लियर होना चाहिए कि क्वांटम नंबर्स कितने इंपॉर्टेंट हैं. दे आर द एड्रेस ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स. अब हम नेक्स्ट जो है इन सब को अलग-अलग अपने एक एक टॉपिक में उनकी डिटेल जो है वो स्टडी करेंगे.